व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम कुछ नया करने वाले हैं और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ये कहें कि ये हर एज ग्रुप के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं वर्कआउट करूंगा, इससे न केवल हमारी बॉडी को बल्कि हमारे माइंड और ओवरऑल स्ट्रेंथ और शारीरिक ऊर्जा में भी बहुत ही लाभ होने वाला है। तो दोस्तों, आज जो एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ वो है हमारा कीगल एक्सरसाइज। खास करके यूँ कहें कि ये शादीशुदा लोगों के लिए बहुत ही वरदान जैसा है। यूँ कहें कि युवा और शादीशुदा लोग जरूर इसको करें, ठीक फील महसूस हो। कीगल एक्सरसाइज के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा आपको। मैं अभी जो करने जा रहा हूँ, मेरा जो मेन मोटो है आपको बताने का, वो है कि जो लोग दिन में अन एनर्जेटिक फील करते हैं, जिनकी दिन में जो एनर्जी लेवल लो रहता है, या फिर आलसपन महसूस करते हैं, या यूँ कहें कि माइंड उनका उदास रहता है, या फिर काम करने में मन नहीं लगता है। दोस्तों, अभी तो मैं कुछ महत्वपूर्ण फायदों के बारे में बताया, अब मैं जो फायदे बताने जा रहा हूँ कीगल एक्सरसाइज का, वो महिलाओं से रिलेटेड है। तो कीगल एक्सरसाइज जो भी वेमेंस या फिर महिलाएं जो करती हैं, तो उनका जो सबसे पहला फ़ायदा है वो पेल्विक एरिया जो है हमारा, ये पेल्विक फ्लोर का एरिया है, वो मजबूत बनता है। यहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो मजबूत बनती हैं। और जो दूसरा फ़ायदा, मूत्र संबंधी समस्याएँ कई टाइप की हो सकती हैं, जैसे मूत्र का रुक रुक कराना, या फिर मूत्र विसर्जन करते वक्त दर्द होना, या यूँ कहें कि ब्लैडर में दर्द होना, ठीक इस टाइप की समस्या हो सकती है। और जो महिलाओं से रिलेटेड समस्याएँ हैं, जैसे कमर दर्द होना और पीरियड्स में दर्द होना, उन सभी समस्याओं में ये सहायक होता है। इसके साथ ही यौन उत्तेजना को संतुलित करना हो गया, और शीघ्र पतन की समस्या हो गया, इन सभी समस्याओं में ये कीगल एक्सरसाइज बहुत ही सहायक होता है। तो आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। तीसरा जो फ़ायदा है वो है कि डिलीवरी के टाइम पे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, यदि आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो। इस एक्सरसाइज को पेल्विक एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है, और इसी का जो दूसरा नाम है, इसको पेल्विक फ्लोर के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो ये जो पेल्विक फ्लोर हमारा एरिया है, जो हमारी बॉडी का पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक इतना, ठीक है, से लेकर यहाँ तक, हिप्स का ये दोनों पार्ट और है से लेकर यहाँ तक, तो इस एरिया को ये मजबूत बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। तो इससे क्या होता है कि अंडाशय हो गया या फिर मूत्राशय हो गया, और जो महिलाओं का जैसे हो गया वो गर्भाशय हो गया, और जो हमारा पेट का सिस्टम, जैसे छोटी आंत बड़ी आंत हो गया, इन सबको हेल्दी बनाने में यह कीगल एक्सरसाइज बहुत ही लाभदायक होता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर कीजिए और इसका बेनिफिट उठाइए। तो आज अभी मैं करूँगा बहुत ही सिंपल और बेसिक एक्सरसाइज, ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी कर सकें, और एडवांस लेवल में हैं वो एडवांस करते हैं, और साथ में इसको भी कर सकें। तो लगभग हर एज ग्रुप के लोग और हर कोई इस एक्सरसाइज को कर सकता है। तो ये बहुत ही सरल है और बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, अब हमारा जो पहला एक्सरसाइज है कीगल का, सबसे पहले आप पीठ के बल लेट जाएंगे, तत्पश्चात अपने दोनों पैरों को मोड़ेंगे वन बाय वन करके, और ये दोनों हाथ हैं अपने एड़ी के पास यहाँ पे ले जाएंगे, ये नॉर्मल पोजीशन हो गया। फिर अपने पेल्विक एरिया को अप डाउन करना है, इसको अप डाउन अप, और ये जब ऊपर जाएगा तो आप सांस भरेंगे और यहीं पे होल्ड करना है इसको, 5-6 सेकेंड इसको होल्ड करना है, डाउन डाउन तो हो गया हमारा पहला एक्सरसाइज। अब हमारा जो दूसरा एक्सरसाइज है, सेम इसी पोर्शन में लेग्स अपने सीधे करके करना है। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, दो एक्सरसाइज हो गए, और इन सारे एक्सरसाइज के आपको 10 से 15 रेपिटेशन स्टार्टिंग में लगाना है, फिर धीरे धीरे वन बाय वन करके, नेक्स्ट डे करके आप इसका रेपिटेशन बढ़ा सकते हैं।
जितना रिपीटेशन बढ़ाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेन। नाउ फ्रेंड्स, अब हमारा लास्ट एंड तीसरा एक्सरसाइज है, तो इसके लिए सेम इसके बाद लेट जाएंगे, दोनों पैरों को मोड़ना है, फिर नॉर्मल इस पोर्शन में आ जाना है आपको। अब जब ये आपका पेल्विक एरिया जब ऊपर की तरफ जाएगा तो सांस भरना है आपको, और नीचे जाएगा तो सांस छोड़ना है। तो दोस्तों, आज का हमारा वर्कआउट सेशन यहीं पे फिनिश होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे और आप उसका फ़ायदा ले सकें। थैंक यू दोस्तों।